ये देखे हमारे सलमान भाई खच्चर पे जा रहे हैं। हेलो भाई, चाय पी लें। घोड़े पे फेरी मेडोज के रास्ते पे कराची, सईदाबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, इस्लामाबाद, बालाकोट, शुग्रान, नारायण, बट्टाकुंडी, बुढ़ा भाई, ची लुलू सर, बाबू सर, टॉप चिल्लास, नांगा पर्वत, फेरी मेडोज और फेरी मेडोज। जैसा कि मैंने बताया, हम कराची से फेरी मेडोज जा रहे हैं बाय रोड। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, बड़ा मज़ा आ रहा है गाइस। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ लेक लुलू सर। चेक करो यार, ये कैसे पहाड़ हैं पत्थरों के, और बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे पत्थर लटके हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि बस कोई भी पत्थर कभी भी गिर गया हो। तो भाइयों, ये हाइकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से नीचे जाएंगे, फिर आगे से ऊपर जाएंगे, और बिस्मिल्लाह स्टार्ट हो रही है हमारी हाइकिंग। बड़ा मज़ा आने वाला। शिवाज भाई, क्या विचार है आपके पीछे वाले सीन के बारे में? भाई, बंदा ऐसे आया था चौड़े में कि मैं चढ़ जाऊंगा। 10 मिनट स्टार्ट हुए हैं हम लोगों को, नहीं 25 मिनट हो गए तकरीबन, 25 मिनट 15 मिनट हो गए। और ये देखो भाई को, उसके मुंह बांगे रेट पे बैठ गया। ये देखे गाइस, ऐसी भी हालत हो जाती है कि लोग रेट पूछे बगैर भी बैठ जाते हैं तेरे। अबे कैसे बता रहा बाबा, बताने का तो नहीं है। तो भाइयों, ऐसे कुछ रास्ते होते हैं यार, हर जगह से गुजरना पड़ता है, जंगलात से, आबशारों से, छोटी छोटी पुलियाँ लकड़ियों की बनी हुई उनको क्रॉस करके, ऐसे ऐसे भालू भी क्रॉस कर लेते हैं। सलमान भाई, मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा। उतरते हुए किसको मज़ा नहीं आता, समझ रहे हो ना। सफ़र बहुत मज़े का है, लेकिन घुटनों में जान होनी चाहिए। दो चार आपने नलियाँ खाई हुई हो तो आप जो है चल सकते हो, वरना हर किसी का काम नहीं। शहबाज भाई, आपके क्या विचार हैं इस बारे में? उस वीडियो बना के लोगों को बताना चाह रहे हैं कि भाई आए, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। और भाई, उसके साथ साथ लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सो भाई, वेलकम टू डे 3 ऑफ फेरी मेडोज़। और बस आज के दिन में कुछ ख़ास नहीं है, आज हम लोगों ने निकलना है। रेडी हो रहे हैं सब, नाश्ता वाश्ता करेंगे, नाश्ता करके निकलेंगे। व्यूज़ तो आपने रोज़ ही देखे हैं, आज का भी सुबह सुबह का व्यू मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरे पीछे देखे, बड़ा खूबसूरत नज़ारा हो रहा है। नहीं मानता। और इसके अलावा जो मैंने आप लोगों से वादा किया था, आज एक आध जगह की शायद मैं आपको सैर करवाऊँ। उसके अलावा जो आप लोगों को मैंने बताया कि कॉस्ट वगैरह मैं आपको बताऊंगा, और रीज़नेबल एक्सपेंसेस जो कैसे लगाने हैं, क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं जो लेकर आनी हैं, और ये सब। लेकिन इससे पहले आप सब लोगों को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ये मत भूलिए, ताकि इसके साथ साथ ये तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी ही मिलेगी, इसके साथ भी और बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। सो कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए, और फिर आपको मैं इंशाल्लाह थोड़ी सी देर में बताता हूँ हमारा क्या ख़र्चा हुआ, हम किस टाइप के होटल्स में रहे। वो तो आपने देख ही लिया, अच्छे होटल्स थे, साफ़ सुथरा माहौल था, अच्छी रूम सर्विस, क्लीनिंग वगैरह वगैरह सारी चीज़ें थी। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, सारी चीज़ें आपको बताते हैं, बस थोड़ा सा और सब्र। भाई, ये वापसी का रास्ता है, उतर रहे हैं वापसी गोहराबाद की तरफ, जहाँ से जीप्स मिलेंगी। Hey boy!
तो भाई वापसी जा रहे हैं, उतर रहे हैं। देखो कितना टाइम लगता है। हम लोग निकले हैं 9:45 हो रहे हैं, 9:45 निकले हैं। देखो कितना टाइम लगता है, कितनी देर में नीचे पहुंचते हैं। वापसी का सुना है ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता नहीं है, मतलब ख़तरनाक है, मुश्किल नहीं है। देखो है कि नहीं। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। तो भाई तकरीबन 30 हो गए हम पैदल चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। और यहाँ तो बस ऐसा सीन है कि हल्का सा पाँव उठाना है, बाकी आप खुद ही आगे चलते हो भाई, ब्रेक मारनी पड़ती है। ये देखिए हमारे सलमान भाई खच्चर पे जा रहे हैं, हेलो वाइफ चाय पी लें। घोड़े पर ये हमारे शहबाज भाई हैं। कैसा लग रहा है भागे? हाँ उतरने का इशू नहीं है। तो भाई ये देखो ऐसे खतरनाक रास्ते हैं, बड़ा ही स्लो स्लो कदम जमा के चलना पड़ता है, इसलिए वीडियोस भी कम बन रही हैं। पर यह है कि वापसी का इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से सुकून से चले जा रहे हैं। अभी तक कोई स्टॉप नहीं हुआ, ना कोई सांस फूली, ना थका, नहीं कुछ नहीं। तकरीबन 50 हो गए हैं चलते चलते। यह आगे थोड़ी सी ख़तरनाक उतराई है, तो इसलिए मैं कम वीडियोस बना रहा हूँ ताकि सुकून से। आगे एक और ख़तरनाक उतराई है, सो इसलिए मैं बहुत कम वीडियोस बना रहा हूँ सुकून से, ताकि मैं नीचे जा सकूँ। इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है, पता है? आते वक्त आधा रास्ता आपको दिखा दिया था, जाते वक्त आपको आधा रास्ता दिखा दिया था, आते वक्त जो बचा हुआ आधा रास्ता था जो रात की वजह से नहीं दिखा सका जाते वक्त, वो मैंने अभी आप लोगों को दिखा दिया। अच्छा ठीक है, समझ गया। बहरहाल अभी नीचे चल के ही पहुँचते मिलते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ मज़ीद डिटेल्स। जैसा कि मैंने आपको बोला, सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा, कॉस्ट वगैरह और ये सारी चीज़ें, तो कितने घूमने के पॉइंट्स हैं वगैरह वगैरह। सो कनेक्टेड रहिए गाइस, सब कुछ मिलेगा दिखने को। सो गाइस फाइनली हम पहुँचने वाले हैं, छोटा सा ही पहाड़ है, खैर है, आधे किलोमीटर का होगा, हद से ज़्यादा मैं अभी फ़िलहाल हुए हैं एग्जैक्ट 1:05। नहीं, यहाँ से नहीं, यहीं से। अब पागल हो गया, आगे से खाई होगी, नहीं निकाल दो भाई, ये रास्ता बना।
तो भाई फाइनली पहुंच गया हम, यहाँ जाना है हमने, वो जीप्स खड़ी हुई हैं, यहाँ से घूमते हो गए। चेक करो यार पैदल रास्ते, क्या मज़ा आता है यहाँ पैदल चलने से। क्यों शहबाज भाई, घोड़ा चेक करो अल्तुतान का भाई। तो भाई ये था स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि वापस आ रहे हैं, तो ये है हमारा एंडिंग पॉइंट। वापस आ रहे हैं तो ये है हमारा एंडिंग पॉइंट। ये अच्छा हो गया पति, बहुत लंबा था इसकी दाम। अरे हाँ बहुत लंबा था भाई, शॉर्टकट बहुत लंबा था। ये हमने गलती से शॉर्टकट मार लिया गाइस। आ जाओ चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। रेडी साउंड एक सेवन एक्शन। पहुंचे हुए जीप का इंतजार कर रहे हैं, सुना है रास्ते में गाड़ी वाड़ी खराब हो गई थी तो बड़ा ट्रैफिक वगैरह था, क्लियर हो रहा था। आ रहे हैं ड्राइवर, आए इसमें आधे घंटे में बैठे हुए हैं, चाय शाय पी रहे हैं, पहुँच चुके हैं। और जो जो चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, बस जैसे ही नीचे जाता हूँ आपको कुछ व्यू पॉइंट्स भी दिखाता हूँ और फिर मज़ीद डिटेल्स शेयर करता हूँ जिसका आप सब लोग वेट। जीप आ चुकी है और निकलने लगे हैं हम। आते वक्त हमें ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटा 15 मिनट लगे थे नीचे उतरते वक्त, जैसा कि मैंने आपको बताया। जीप आ चुकी है, आधा घंटा वेट किया, आ गया नीचे, कोई गाड़ी ख़राब हो गई थी बताया आपको, तो ट्रैफिक जाम था, तो आ गए। खैर अभी बस बैठने लगे हैं और इंशाल्लाह चलने लगे हैं अपनी मंजिल की तरफ। देखो नीचे पहुंच के मज़ीद डिटेल्स देते हैं, थोड़ा सा फ्री हो जाओ, मैं सुकून हो जाए ना, डिटेल से फिर तफसीलन में सारी चीज़ें बताऊंगा। I'm not the one who's got the power.
गड़बड़ू मैं बन के तेरा जोगी ये जोग है मेरे मन का कोई रोग है ये प्रेम आग तो बेलाग रात को जागता हूँ मैं राग करूँ मैं बन के तेरा Let's go.
बड़ी मुश्किल से मुझे जाने दिया। गाड़ी भी सीधी आई थी ना ऊपर। खुशी क्या सुना से निकल रहे इतनी खुशी ये ले अबे वाकई में बहुत खुशी है तुझे
तो भाई टूर का इख्तिताम होने वाला है लास्ट इस्लामाबाद में। मलंग जान बड़ा सुना है, हमारे दोस्त हमें लाए हैं स्पेशली, उनकी तरफ से ट्रीट है मलंग जान का पन्नू बीफ पुलाव। ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा जायका होता है। और सुनाओ मियां, बट्टे दे पाए खाएगा निक्के दे जो तुम खिला दो। बड़ा और छोटा ये हो, कोई सात से ज़्यादा छोटा ना हो जाए, समझ रहे हो? ये भाई हमें इस गेट से इन्होंने एंटर किया, उससे बाहर निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो वेलकम बैक। और फाइनल एपिसोड का बिल्कुल इख्तिताम हो चुका है और बस कुछ चीज़ें बाकी हैं जो बताना रह गई हैं आप लोगों को। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि फेरी मेडोज़ का हम लोगों का दोस्तों का ये प्लान 12 साल पहले बना था। 12 साल पहले सेम यही हम 6-7-8 दोस्त गए थे नारान कागान तक। नारान तक हम गए थे, नारान पे बैठ के हम लोगों की आपस में 7-8 लड़कों की थोड़ी सी बहसबाजी हुई, हल्की सी तू मैं भी हो गई इस बात पे कि आधे कह रहे थे फेरी मेडोज़ जाएंगे, आधे कह रहे थे नहीं जाएंगे। तो एंड में डिसाइड यही हुआ था कि फिर कभी सही 12 साल बाद जाके आज हम लोगों का ख्वाब पूरा हुआ। एक आध दोस्त जो बीच में नहीं ज्वाइन कर पाया उसने भी यही मैसेज किया कि हो गया ख्वाब पूरा। तो बहरहाल बड़ा मज़ा आया हमें। और कुछ चीज़ें मैंने बतानी है, हम सबसे पहली तो ये कि यार जो हम चिल्लास गए थे, चिल्लास और बाबूसर टॉप के बारे में मैं आप लोगों को एक बड़ी ही अहम बात बताता हूँ। पूरी दुनिया में, पूरी की पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जैसे चिल्लास और बाबूसर टॉप। मतलब कि एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ, चिल्लास और बाबूसर टॉप से 37 किलोमीटर का रास्ता है और जो तय होता है 1.5 से 2 घंटे में। तो पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जो 37 किलोमीटर के फासले पे 30 से 35 डिग्री का टेम्परेचर चेंज करे। मेरे कहने का मकसद ये है कि हम जब बाबूसर टॉप से निकले थे तो तब टेम्परेचर बाबूसर टॉप पे जो हो रहा था वो 8 डिग्री चल रहा था। मतलब कि हमने जैकेटें वैकेटें पहनी हुई थी, फुल ठंड हो रही थी, फुल पैक हुए हुए थे। और 37 किलोमीटर का सफ़र महज हमने 1.5 घंटे में तय किया। जब नीचे उतरे हम, 1.5 घंटा भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, जब हम नीचे उतरे तो चिल्लास पहुंच के जो टेम्परेचर था वो था गाइस 38 डिग्री। सो उस वक्त तो 30 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर चेंज हुआ। तो बहरहाल ये भी एक बात बनने वाले आप लोगों को बतानी थी कि ऐसी भी जगह है और ये हमारी खसूसियत सिर्फ हमारे पाकिस्तान को है। सो वापस आते हैं अपने एक टॉपिक पे। सो दोस्तों का हमारा जो प्लान बना था कि हम लोगों ने फेरी मेडोज़ जाना है, तो नारान तक तो गया हुआ था, याद हो चुका है, काफ़ी बार जा चुके हैं। तो इस दफ़ा हमने इसलिए कराची से डायरेक्ट नारान क्रॉस करके स्टॉप लिया था, तकरीबन 35-36 घंटे, शायद इससे भी ज़्यादा मुझे याद नहीं है। तो सफ़र हमने डायरेक्ट तय किया था बाय रोड कराची से। हम लोग जो हमारा फ़र्स्ट स्टॉप था, नारान के बाद आता है बट्टाकुंडी, तो बट्टाकुंडी हम रुके थे। लेकिन बट्टाकुंडी में रूम्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे, ईद के दिन थे, बहुत रश था, इतना रश था कि आप समझे हमें नारान के पहली जगह से, मतलब नारान के स्टार्टिंग पॉइंट से नारान के एंडिंग पॉइंट तक शहर के अंदर हमें 3.5 घंटे लग गए थे सिर्फ नारान क्रॉस करते करते। तो बताने का मकसद ये था कि बट्टाकुंडी में हम गए पहुँचे, वहाँ पर हमें मिला नहीं रूम, तो हम लोग आगे गए, एक छोटा सा और मुकाम है वहाँ पर शहर टाइप का, बुढ़ावई कहते हैं उसे, तो हम लोगों ने बुढ़ावई में रूम किया, वहाँ ठहरे। अगले दिन हम निकले फेरी मेडोज़। और रूट में आप लोगों को बताता चलूँ भाई, हम लोग कराची से निकले थे, कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से सईदाबाद, सखर, मुल्तान, फैसलाबाद वाली मोटरवे, मुल्तान के बाद फैसलाबाद, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के बाद का अगर रास्ता आ गया आप लोगों को ईजी पता है, एबटाबाद, मानसहरा, बालाकोट और शुगरान, कागान, नारान, यहाँ तक तो हमने स्टॉप लिया हुआ था। पहले सब घूम चुके हैं और बार बार घूम चुके हैं, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ तक के ज़्यादा स्टॉप्स नहीं लिए।
ना मतलब कि स्टे नहीं किए वहाँ पे, स्टॉप्स लिए हमने मुख्तसर से, और दोस्तों ने अपनी यादें ताज़ा की उन टूर्स की, लेकिन हम लोगों ने कहीं स्टे नहीं किया। स्टे जैसा कि मैंने आपको बताया नारान के बाद ही जाकर हम लोगों ने स्टे किया। सो नारान के बाद आता है ऊपर बट्टाकुंडी के बाद ऊपर बाबूसर टॉप आता है, बाबूसर टॉप के बाद आगे चिल्लास आएगा, चिल्लास से आगे आपका फेरी मेडोज़, फेरी मेडोज़ का रास्ता जो है एग्जैक्ट आपको है रायकोट ब्रिज कहलाता है। रायकोट ब्रिज पे आपने गाड़ियाँ पार्किंग वगैरह की, दो चार पार्किंग्स बनी हुई हैं बड़ी बड़ी, वहाँ आप गाड़ी पार्क करें और जीप से आप ऊपर जाएं। सेफ्टी के लिहाज से अगर हम बात की जाए तो यार मैं लिटरली कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में मैंने कभी भी अपने आप को इतना सेफ महसूस नहीं किया जितना मैंने इन इलाकों में अपने आप को किया। टूरिज़म बहुत ज़्यादा है, मैं ऑलमोस्ट काफ़ी पाकिस्तान घूम चुका हूँ, तो मैंने कहीं भी पूरे पाकिस्तान में हत्ता के नारान कागान और इस साइड पे मतलब मरी वगैरह भी इतने टूरिस्ट नहीं देखे जितने टूरिस्ट मैंने फेरी मेडोज़ में देखे हैं। गाइस एडवेंचरस ट्रिप है, दुनिया भर से ऑस्ट्रेलियंस, चाइनीज़ के लिए तो हलवा है ना, जहाँ आँख उठाओ चाइनीज़ ही नज़र आ रहे हैं आपको, उनके लिए तो हलवा है। खुंजराब पास से आ रहे हैं, खुंजराब पास से जा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन बाय एयर भी है, सस्ता है, करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से आप लोगों को पता है कौन सा इतना ख़र्चा होता है। तो बहरहाल टूरिज़म बहुत ज़्यादा है, सेफ आप इतने हैं कि ये यकीन करें, हमने नीचे जीप ने जहाँ उतारा वहाँ से ऊपर पैदल 7 किलोमीटर की हाइकिंग है, तो सामान हमने आप वहाँ पे दे दिया खच्चरों पे और ऊपर हमें सामान मिल गया, और यहाँ तक के गधा बीच में बकौल उसके जो लाया था उसने कहा कि गधा गिर गया था, उसका पाँव स्लिप हुआ था, तो काफ़ी सामान हमारा बैग में मुझे एक दो खुला मिला, मेरा बैग खुला हुआ था, तो चूँकि उसकी जिप ख़राब थी बैग खुल गया था, तो बैग जब खुला हुआ था तो मुझे मिला, तो उसने हमारे पूछे बगैर ही उसने सब बताया कि भाई आपका ऐसे सामान गिरा था, इस सामान में से ये चीज़ आपकी यहाँ पे थी, हमने उठा के यहाँ रख दी है। फॉर एग्जांपल एस्ट्रे थे हमारा, उसने बोला वो यहाँ है, बॉल आपकी यहाँ है, चिड़ी आपकी जो रैकेट के साथ चिड़ी छक्के होते हैं ना, चिड़ी होती है, चिड़ी आपकी यहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें उन लोगों ने गाइड की। इतना सेफ़ है मतलब आप बेफिक्र हो जाएं कि आपकी कोई भी चीज़ कहीं नहीं जाती, अगर आपने कहीं अपने शूज़ रखे हैं वो वहीं पड़े रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, इतना सेफ़ है। क्योंकि वहाँ पे इस लिहाज से इसीलिए वो फेरी मेडोज़ इतना है कि मतलब इतना सेफ़ है कि अगर कोई इशू अल्लाह ना करे, वैसे तो हुआ ही नहीं और नाम कभी देखा किसी को होते हुए, लेकिन इन केस हो भी जाए तो आपने सिर्फ रابطہ करना है वहाँ की हेल्पलाइन पे, और वो दुनिया जहाँ से आपकी कोई चीज़ जो घुमी है वो उनका काम है ढूंढ के लाना, अगर आप लोगों की वो चीज़ उन्होंने प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट नहीं की नीचे गौराबाद से ऊपर फेरी मेडोज़ तक। तो इतना सेफ़ है हर लिहाज से। तो भाई जो फेरी मेडोज़ का कॉस्ट है या मतलब के जो भी एकोमोडेशन कॉस्ट है, मैं आपको आइडिया बता देता हूँ, आइडिया धुन बता देता हूँ मैं कि भाई ये जो कॉस्ट आया हमें, हम 8 लड़के गए थे और हमें पड़ा है तकरीबन कोई 40,000 पर हेड, और इसमें हमारे कोई तकरीबन समझे 6 से 7 दिन है, कराची से लेके फेरी मेडोज़ से लेके कराची तक का टोटल फ्यूल कॉस्ट है, सारा खाना पीना, एकोमोडेशन कॉस्ट जो 3-4 दिन हम वहाँ रहे, वापसी पे 1 दिन हम लोगों ने बालाकोट स्टे किया, जाते वक्त हमने बुढ़ावई स्टे किया, 3 दिन हमने फेरी मेडोज़ पे स्टे किया, तो ये जो सारे एकोमोडेशन कॉस्ट हैं, उसके अलावा 8 बंदों का सुसैर सी बात है खाना पीना ये वो A to Z, और मंचिंग वगैरह तो ऐसी होती है हमारी कि हमारे मंचिंग के बिल भाई खाने से ज़्यादा बनते हैं, जहाँ रुके वहाँ बस समझो कि बॉयज़ 4-5 हज़ार रुपये का बिल बना देते हैं बिला वजह का, ये ले लिया वो ले लिया। तो बस यही कहना था कि इतना सा ख़र्चा हुआ हमारा, 40,000 पर हेड हुआ, और यही अगर आप इस्लामाबाद से जाते हैं तो 8-8-16 कैंसिल कर दें, 25,000 रुपये पर हेड अगर आप इस्लामाबाद से फेरी मेडोज़ जाते हैं, फेरी मेडोज़ से वापस इस्लामाबाद आते हैं, तो ये हमारा कोई एकोमोडेशन कॉस्ट है। इसमें भी जो मैं आपको बताऊँ ये कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ा है, आप इसको भी और फर्दर कम कर सकते हैं, हमारा जो प्लान था मैं दोस्तों को बता रहा था लेकिन 150 होते हैं ना ग्रुप में, मैंने बोला ये ले लो, नहीं वहाँ जाकर ले लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बहरहाल जो ज़रूरत की अशियाँ हैं वो आप लोगों को लाजमी चाहिए, आप लोगों को हाइकिंग स्टिक चाहिए, सिलेंडर वगैरह लेकर जाएं, कुछ थोड़े से यूज़ के बर्तन साथ लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पे खाना बहुत महंगा है गाइस। रूम तो आप लोगों को मिल जाएंगे इजीली, 3,000 का भी, 4,000 का भी, 5,000 का भी, 6,000 का भी, रूम्स इशू नहीं है, और हम लोग फुल पीक सीज़न पे गए थे, बहुत रश था और फिर भी हमें इजी अच्छी प्राइस में रूम्स मिल गए थे, रूम्स इशू नहीं है, इशू है वहाँ पे खाना बहुत महंगा है, आप समझे कि 7,000 रुपये
पर के जी कढ़ाई है चिकन, और उसके अलावा समझो को 150 रुपये की रोटी है, 250 रुपये की चाय है। तो ये सारी चीज़ें, अब अगर आपने बचना है इन चीज़ों से, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि छोटा 4-5 किलो का सिलेंडर साथ रख लें, 2-3 पतीलियाँ रख लें, 4-5 प्लेटें रख लें, 1-2 गिलास रख लें। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हाइकिंग स्टिक रख लें, उसके अलावा आप लोग मास्क वास्क रखें, कैप्स रखें, जैकेट्स वगैरह, हर मौसम के लिए तैयार रहना चाहिए आपको। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बाबूसर टॉप पे 10 डिग्री, 1.5 घंटे बाद चिल्लास पे 38 डिग्री, फिर तकरीबन कोई 3-4 घंटे बाद फेरी मेडोस पे वही वापस मौसम हो गया ठंड। तो बहरहाल ये सब चीज़ें बतानी थी। इसके साथ साथ एंड में मैं ये कहूँगा भाई, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है गाइस। सरप्राइज़ जो है वो बता दूँ, पक्की बात है। सरप्राइज़ जो है वो ये है कि पहले तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आप लोगों तक पहुंचा सकूं मैं। नेक्स्ट मेरा ट्रिप होने वाला है अनकरीब, अगले हफ्ते स्टार्ट है इंशाल्लाह, और 60 डेज़ गाइस, सिर्फ इतना बताऊँगा, 60 डेज़ ट्रिप, 60 डेज़ नॉन स्टॉप वीडियोज़ पर डे, 1 वीडियो। कनेक्टेड रहिए, बहुत कुछ दिखाना आपको बाकी रह गया। उसके साथ साथ यार मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है फ्रीलांस की फील्ड में, बहुत सारे काम किए हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत एक्सपीरियंस है। तो उन चीज़ों से भी रिलेटेड, पेपॉल और फ्रीलांसिंग, अपवर्क, फाइवर, सो इन चीज़ों से भी रिलेटेड मैं वक्तन फवक्तन वीडियो बनाता रहूँगा। सो कनेक्टेड रहिए गाइस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबसे बेस्ट मोमेंट आपको इस सीरीज़ का या इस एपिसोड का जो लगा, कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं। और उसके अलावा, और हाँ भाई, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, लाल बटन, ताकि जो भी कोई न्यू वीडियो है आपके तक उसका नोटिफिकेशन आता रहे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में बहुत जल्द, यानी कि 1 हफ्ते में। तब तक मैं बीच में कुछ वीडियोज़ आपकी लर्निंग के लिए भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा बनाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में, बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।